के साथ खरीदारी करके चलें। पर और कई सारे स्टॉक्स हैं जो आपके फोकस लिस्ट में होने चाहिए। एम्फी ने छिमाही रिव्यू की लिस्ट जारी की है, क्या हुए हैं यहां पर बड़े बदलाव, आइए जानते हैं इनके बारे में आशीष चतुर्वेदी के साथ। आशीष बताइए, किस किस कैटेगरी में क्या क्या बदलाव किए हैं एम्फी ने? मानसू, सभी कैटेगरीज में ढेर सारे बदलाव हुए हैं, लेकिन खास बात यह कि जी बिजनेस की जो रिसर्च टीम है, उन्होंने आपको जो अनुमान बताए थे कि किसमें कौन सा स्टॉक जो है कैटेगरी में शिफ्ट होगा, और बिल्कुल इसी के अनुसार जो है फाइनल रिक्लासिफिकेशन जो है नजर आया। मैं एक एक करके आपको सभी कैटेगरीज के बारे में अपडेट्स दे देता हूं। सबसे पहले देखिए, लार्ज कैप में जो नई एंट्रीज, यानी 2021 में जो नए आईपीओस आए थे, उनकी एंट्री सीधे जो है लार्ज कैप में हुई है। पहला नाम आता है जोमैटो का, नायका, पेटीएम, पॉलिसी बाजार है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ स्टॉक है इनका अपग्रेड हुआ है, मिड कैप से अब लार्ज कैप में आ गए, तो लार्ज कैप फोकस फंड जो है अब इनमें खरीदारी करते हुए नजर आएंगे। माइंडट्री है, एसआरएफ, आईआरसीटीसी, टाटा पावर, एम्फेसिस, गोदरेज प्रॉपर्टीज, मैक्रोटेक डेवलपर्स, बीईएल और जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसे जो इंटरेस्टिंग नाम्स है ये इस लिस्ट में शामिल है। मिड कैप में भी कई सारे जो है स्टॉक्स, 2021 में 63 कंपनियों के जो इश्यू आए थे, इनमें से स्टार हेल्थ, क्लीन साइंस, नोवोको विस्तास, आदित्य बिरला एएमसी, जीआर इंफ्रा, एप्टिस वैल्यू हाउसिंग और दिव्यानी इंटरनेशनल, इनकी जो एंट्री है सीधे मिड कैप सेगमेंट में हुई है। और लार्ज कैप से मिड कैप यानी हल्का सा डाउनग्रेड समझ सकते हैं। अब जो लार्ज कैप फोकस फंड्स हैं, हो सकता है कि यहां से अपना जो फोकस है हटाते हुए नजर आए। इनमें नाम है बंधन बैंक, बॉश जैसी कंपनीज है, लुपिन है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पीएनबी या हनीवेल ऑटोमेशन जैसे नाम जो है इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा स्मॉल कैप से मिड कैप में अपग्रेड हुए हैं, इनमें है गुजरात क्लोरो केमिकल्स, हैप्पीएस्ट माइंड, सेंट्रल बैंक, आईईएक्स, नैल्को, सीजी पावर और ग्राइंडवेल नॉर्टन जैसे जो नाम है वो शामिल है। इसके अलावा मिड कैप से स्मॉल कैप में जो आए, यानी मिड कैप से हटके अब स्मॉल कैप थोड़ा सा डाउनग्रेड हो गया है, तो यहां पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। इसमें एफएल इंडिया है, आरबीएल बैंक है, अमरा राजा बैटरीज, लगातार स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है, ग्लेनमार्क फार्मा, मनपुरम फाइनेंस, ओलंपिक फार्मा और फिनिक्स मिल जैसे जो स्टॉक्स हैं वो आए। इसी के साथ जैसे कि लार्ज कैप और मिड कैप में एंट्री हुई है, क्योंकि 2021 में 63 कंपनियां आई थी, तो 63 में से 32 कंपनियां जो है उनकी नई एंट्री जो है स्मॉल कैप में सीधे हुई है। ओके, 32 कंपनियों की सीधी स्मॉल कैप में एंट्री, 63 जो आईपीओ आए उसमें से। ओके, इंटरेस्टिंग। और ये लार्ज कैप में कितने नए आईपीओ, कितने लार्ज कैप में सीधे आए आशीष सर? इसमें नायका, पीबी, जोमेटो और यस सर, पेटीएम और पॉलिसी बाजार। पेटीएम, चार बिल्कुल सर, गजब। तो ये है आपके लिए। अब जाहिर सी बात है कि फंड्स का एलोकेशन नए आईपीओ में